नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर कंगना रनौत ने जो भी खुलासे किए थे वो सारे खुलासे सच साबित होते जा रहे हैं। जी हां, कंगना रनौत ने ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया दवा का ओवरडोज दिया करती थी और रिया सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को हड़पना चाहती थी और इस काम में कई सारे लोग उसकी मदद भी कर रहे थे और बिल्कुल बिहार पुलिस के हाथ जो साक्ष्य लगे हैं उसमें कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया अपने घर ले जाती थी, उसके बाद उन्हें दवा खिलाती थी, इनफैक्ट दवा का ओवरडोज देती थी और उसके बाद खबर ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो उनके घर पे उनका रूममेट रह रहा था सिद्धार्थ पिठानी, वो सुशांत सिंह राजपूत को रेगुलर दवा दिया करता था और कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है इसके पीछे छिपा हुआ है और एक बड़ी साजिश इसके पीछे छिपी हुई है। आपको बता दें कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को आत्महत्या की, कथित तौर पर आत्महत्या की, उसके बाद से ही कंगना रनौत ने एक एक कर कई सारे हमले बॉलीवुड पर किए, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को भी उन्होंने निशाने पर लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था, इनफैक्ट उन्होंने लगातार ट्वीट कर ये जानकारी दी थी जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया जो है कंट्रोल कर रही थी, उनके पैसे को निकाल रही थी और इस काम में कहीं ना कहीं उनका मदद पूरा का पूरा बॉलीवुड का गैंग है वो कर रहा था। बिहार पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ इसी वजह से आई ही थी कि ताकि वो उनका पैसा जो है हड़प सके। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को जानबूझकर जो डिप्रेशन की खबर है उसको फैलाया था। इनफैक्ट सुशांत किसी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं थे, ये खुलासा बिहार पुलिस ने कर दिया है। जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा बिहार पुलिस की तरफ से, उस हलफनामे में इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। और कुछ ऐसा ही मामला तब सामने आया था जब कंगना रनौत ने इस बात पर बोलना शुरू किया था और एक एक करके वो आरोप रिया चक्रवर्ती पर ही लगा रही थी। इसी बीच खबर ये भी है कि मुंबई पुलिस के भी सांठगांठ रिया चक्रवर्ती के साथ थे। रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा के डीसीपी से कई बार फोन पर बातचीत की थी, तो ऐसे में अब साफ हो चुका है साजिश जो है वो अब कहीं ना कहीं सबके सामने आ चुकी है कि इसके पीछे कोई बड़ा झोल छिपा हुआ है और अब सीबीआई इसकी जांच जो है वो करेगी। लेकिन कंगना रनौत ने जो भी खुलासे किए थे वो इसमें सही साबित हुए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।